नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सन टीवी के रिजल्ट्स का, उस पर अपना पर्सनल ओपिनियन देंगे और चार्ट के माध्यम से भी इस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। तो इस पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम काफ़ी प्रॉफिटेबल कॉल्स देते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्केट के इन्वेस्टमेंट रिस्क के अधीन होती है, आप अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें और हमारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। ये दोस्तों देखिए, करीब ये मैंने BSE की वेबसाइट खोली है तो ये इनके रिजल्ट्स आए करीब 4:40 पे, तो ये मैंने वहीं से निकाले हैं। आइए अब हम और आप साथ में इसके रिजल्ट्स को देखते हैं। तो दोस्तों, इनके रिजल्ट में मुझे डिविडेंड की कोई न्यूज़ नहीं दिख रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। अब अगर हम इनके रिजल्ट्स को देखें दोस्तों, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, करीब 8-10% के आसपास की, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई है। 1034 के फिगर से ये देखिए 832 के फिगर पे आ गए, ये काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। अगर पिछले साल के इस क्वार्टर से लेकिन हम कंपेयर करें तो थोड़ी सी बढ़ोतरी है। एक्सपेंसेस देखिए दोस्तों, इनके कम हो गए हैं इस क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर में इन्होंने अपने एक्सपेंसेस भी कम किए हैं। तो यहाँ देखिए 1855 के एक्सपेंस इन्होंने 1453 के कर दिए, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो बहुत ही ज़्यादा अंतर आया है, मे बी कोरोना का काफ़ी इम्पैक्ट हो। तो ओवरऑल अगर मैं दोस्तों प्रॉफिट की बात करूँ, आफ्टर टैक्स की डायरेक्ट बात कर लेते हैं, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में इनकी ये प्रॉफिट काफ़ी बढ़ गई है। पिछली बार 1371 के फिगर्स में थी और अब की बार 1520 हो गई है, तो ये चीज़ दोस्तों इनकी काफ़ी अच्छी रही है। तो कंपनी का क्या रहा है दोस्तों, जरूर इनकी आप कह सकते हैं इनकमिंग कम हुई है पैसों की, बट क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपेंसेस कम किए इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल में है। तो जहां तक मैं जानता हूं दोस्तों, एनालिस्ट को इनके रिजल्ट्स ज़्यादा पसंद नहीं आएंगे। ये बाय द वे ये ऊपर के सारे फिगर्स दोस्तों करोड़्स में थे, तो और आगे मंडे वाले दिन में मैं इसमें पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमें थोड़ा सा आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है, उसके बाद हो सकता है कि फिर ये वापस रिकवर कर ले, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली सही है और ऐसा कोई प्रॉब्लम भी रिजल्ट्स में नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है बट प्रॉफिट क्योंकि अच्छी है तो इसलिए कोई इशू की बात नहीं है। आइए दोस्तों, अब यहाँ पे अगर मैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देख लेता हूँ तो उसमें भी देखिए वही चीज निकल के आ रही है कि जो हमारी प्रॉफिट है वो टैक्स एक्सपेंसेस की वजह एक्सपेंसेस कम हुए इस वजह से वो प्रॉफिट बढ़ रही है। आइए दोस्तों, मैं चार्ट के माध्यम से इस स्टॉक को देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये स्टॉक काफ़ी टाइम से ये वाला जो इसका एरिया है आप कह सकते हैं, यहाँ पे 550 से सारे ये वाला एरिया 550 के लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। पहले भी कोशिश किया था, फिर वापस 460 पे आया, फिर अभी रिसेंट में कोशिश की थी, फिर 500 के पास गिर गया, फिर कोशिश की और अब ये 520 के आसपास आप कह रहे हैं काफ़ी सपोर्ट ले रहा है। तो अगर आपको इस स्टॉक में पोजीशन बनानी है तो यहाँ पे ये देखिए, आप यहाँ पे 505 रुपये के स्टॉप लॉस के संग इसमें पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट पहला 560 को, अगर 560 को इसने तोड़ा तो फिर 600 तक के टारगेट पहुँचने में इसे टाइम नहीं लगेगा। काफ़ी सिंपल इसकी एनालिसिस है क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जो चार्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस को काफ़ी अच्छे से फॉलो करता है। तो आप इस स्टॉक को अगर बाई एट CMP कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आप लगाइएगा 505 रुपये का, टारगेट जो पहला रहेगा वो 560 रुपये और दूसरा टारगेट 600 रुपये। अगर दोस्तों आप इंट्राडे के लिए करना चाहते हैं तो मैं उसका भी बता देता हूं आपको। इंट्राडे के लिए अगर दोस्तों आप करना चाहते हैं तो अगर आप करेंट प्राइस पे मिल जाता है आपको 530 के आसपास, तो आप करीब 522 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइएगा और टारगेट रखिएगा 538 का। मैं रिपीट कर देता हूं, बाई अराउंड 1530 स्टॉप लॉस 522, टारगेट 538-540। ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस सन टीवी को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम ट्विटर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।